तो अगर आप भी Vivo Y22 इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप लोग इसमें जो थीम्स वाली एप्लीकेशन होती है उसको ओपन नहीं कर पा रहे या फिर वो आपको जो है देख नहीं रही, तो उसको आप लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं ताकि आप लोग उसमें नए नए थीम्स इंस्टॉल कर सकें, नए वॉलपेपर्स इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करके अप्लाई कर सकें, फॉन्ट्स अप्लाई कर सकें, तो सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहीं पर भी आपको थीम्स वाली एप्लीकेशन जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर मैं अगर सर्च करता हूँ तो ये देखें थीम्स, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ तो कोई भी एप्लीकेशन नहीं आएगी। और इस एप्लीकेशन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे तकरीबन, ये यहाँ से आप लोग वीवो मोबाइल के लिए मतलब थीम डाउनलोड कर सकते हैं। तो थीम स्टोर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिला। तो अभी आपके सामने मैं इसको इनेबल करता हूँ, लेकिन आप लोग भी इनेबल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा एक एप्लीकेशन की जो कि आप लोग ने डाउनलोड करनी है। वो एप्लीकेशन ये वाली होगी, थीम 6.9.3.4। ये आप लोग जो है मतलब डिस्क्रिप्शन से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप लोग डाउनलोड करें अपने फाइल मैनेजर में जाकर या फिर गूगल फाइल्स से जाकर इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा, डू यू वांट टू अपडेट दिस ऐप। यानी कि ये हमें इंस्टॉल का ऑप्शन नहीं दे रहा, ये हमें अपडेट का ऑप्शन दे रहा है। इसका मतलब आप लोग समझते हैं कि अपडेट का ऑप्शन तभी दिया जाता है जब कोई एप्लीकेशन पहले से इंस्टॉल्ड हो। तो बेसिकली इसका तो यही मतलब हुआ कि थीम्स वाली एप्लीकेशन तो Vivo Y22 में यानी कि आपकी डिवाइस में पहले से ही है। तो जी हाँ बिल्कुल 100% है, लेकिन जस्ट उसका जो वर्जन है वो तकरीबन 2. कुछ है जिसकी वजह से वो शो नहीं हो रही। तो उसका काफ़ी ज़्यादा ओल्डर वर्जन दिया गया है कंपनी की तरफ से, तो हम बेसिकली उसी को ही अपडेट करेंगे। तो एक किस्म से आप लोग मतलब ये कह सकते हैं कि विदाउट किसी एप्लीकेशन के, तो आप लोग जो है विदाउट किसी एप्लीकेशन के इसको इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर इसको इनेबल कर रहे हैं। तो यहाँ से अपडेट पर आपने क्लिक कर देना है। तो मैं भी आपके सामने अपडेट पर कर लेता हूँ क्लिक। और जो ये थीम्स वाली एप्लीकेशन है इसमें आपको जो भी थीम्स देखने को मिलेंगे वो सारे सारे टोटली फ्री हैं। जितने भी फॉन्ट्स देखने को मिलेंगे वो भी सारे सारे फ्री हैं टोटली एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर ये देखें थीम्स वाली एप्लीकेशन हमारे सामने आ चुकी है। अगर अब हम सर्च करते हैं थीम्स तो ये देखिएगा ये हमारे सामने आ रही है। तो आप अपने सिंपली इसको ओपन करके यहाँ पर टिक मार्क करके इन दोनों को टिक कर देना है। ये देखें यहाँ से इसको एग्री कर देना है, यहाँ से इसको अलाउ कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे अब आपने यहाँ से जो है ना थोड़ी बहुत थीम्स वगैरह डाउनलोड करके उसको यहाँ पर न्यू वाले सेक्शन में जाकर लोकल थीम्स में जाकर अप्लाई करके भी चेकआउट कर लेना है कि क्या ये अच्छे तरीके से एप्लीकेशन वर्क कर रही है। वैसे तो कर रही होगी, इसमें कोई भी इशू तो नहीं आने वाला। ये देखिए यहाँ से आप लोग iOS वाली जो इमोजीज होती हैं वो भी अप्लाई कर सकते हो अपनी डिवाइस में। लेकिन एक बार मैं आपसे कहना चाहूँगा कि फ़ॉन्ट्स में आपको इसमें थोड़े बहुत इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जो फॉन्ट्स हैं वो आप लोग जैसा कि मैं अभी बोल्ड फॉन्ट मैंने इनेबल कर रखा है, तो यहाँ से मैं सर्च करता हूँ बोल्ड, तो इसका हम यहाँ से एक बार डिसेबल कर देते हैं। तो ये जो है ना बोल्ड फॉन्ट अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप भी डिसेबल मतलब आपको करना पड़ेगा, तभी आप लोग जो है अच्छे तरीके से। ये देखिए मैंने इसको इनेबल किया, तो इसको यहाँ से हम ऑफ़ कर देते हैं। अब जैसे मैंने इसको ऑफ़ किया आपको जो DWD वाला फोल्डर है वो भी डिलीट करना पड़ेगा, डाउनलोड में जाकर iTheme का फोल्डर होता है उसको भी डिलीट करना पड़ेगा, तभी मेरी डिवाइस में जो फॉन्ट्स वगैरह हैं वो अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो सेम आप लोग भी ऐसा कर लीजिए अगर आपके पास भी कोई इशू आता है तो। बाकी मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज इस वीडियो में बस यही बताना था कि थीम्स वाला एप्लीकेशन शो नहीं हो रही तो उसको कैसे शो करवा सकते हो आप लोग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।